हेलो 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 ओके सो वी डिस्कसिंग व्हाट इज अकाउंटिंग राइट एंड वी हैव डिस्कस्ड अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं वी डू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो इस साल का है इवेंट्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है वी रिकॉर्ड इवेंट्स आल्सो तो इवेंट्स को क्या बोला जाता है रिजल्ट्स ऑफ आउटकम ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस आज हम लोग खरीदे बेचे उसका आउटकम क्या है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है प्लस हमारे को प्रॉफिट भी हुआ है सो वी हैव सीन दैट अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट्स जो इस साल का है अल्टीमेटली अकाउंटिंग हम लोग करते हैं कि इसलिए प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनाने के लिए एंड वो प्रॉफिट बैलेंस शीट बना के शेयर होल्डर को कम्युनिकेट किया जाता है काफी सारा एजॉम्स लेते हैं अकाउंटिंग करते वक्त मॉनिट्री वैल्यू अकाउंटिंग पीरियड सेपरेट एंटिटी एंड ड्यूएल एस्पेक्ट उसी से हमने ये अकाउंटिंग प्रोसेस डेवलप किया है क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग अकाउंटिंग करना बड़ी बड़ी कंसर्नस के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा सो वी डेवलप्ड अ प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले बोला है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करिए ना आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया ट्रांजेक्शन फिजिकल वाउचर्स में होते हैं फिजिकल फॉर्म में होते हैं परचेज बिल बैंक स्टेटमेंट सेल्स बिल लोन अग्रीमेंट रेंट अग्रीमेंट इस टाइप के फिजिकल फॉर्म में होते हैं उनको आपको अकाउंटिंग शेप देना है राइट right? तो हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट में फिट करके देखा फॉर एवरी रिसोर्स देयर इज अ सोर्स रिसीविंग रिसोर्स इक्वल्स टू गिविंग सोर्स उसी से हमने एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का वो इक्वेशन डिराइव किया था काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन करके हमने इस इक्वेशन में बैठा के देखा दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड ट्रू ट्रू का मतलब हो गया इक्वल आना चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप डालते हैं इसमें तो हमने छ से छः डाला था तो उसमें वो इक्वल आया बट इसमें अकाउंटिंग करना इज नॉट पॉसिबल इसमें हमारे को टोटल एक्सपेंस के बारे में आइडिया नहीं लगेगा टोटल इनकम के बारे में आइडिया नहीं लगेगा कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि डायरेक्टली इसमें कैपिटल में एडजस्ट हो रहा है तो हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे राइट एंड ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको खाली अकाउंटिंग वाउचर्स रिकॉर्ड करना है अल्टीमेटली ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा बट व्हेन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैनुअल अकाउंटिंग आपको ये सब खुद करना पड़ेगा राइट सो प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज रिसोर्सेज जिसमें मनिट्री वैल्यू हो जिस चीज का एक्सचेंज में मनीट्री शुड बी देर मनी मस्ट बी इन्वॉल्व फिजिकल वाउचर में होते हैं इनको अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है सो so, हर एक ट्रांजेक्शन टोल्ड यू देर इज अ अ रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट और ये जो मैंने रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग है इसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं राइट मॉडर्न अप्रोच इसको मॉडर्न अप्रोच बोला जाता है ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग नहीं करेंगे वी ओन गो बाय ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल रियल नॉमिनल से करने से अल्टीमेटली तो अपने को पीएल बैलेंस शीट बनाना है राइट right? तो हम लोग हमेशा मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे एंड ये जो रूल्स है ये हमने इसी इक्वेशन से डिराइव किया है राइट right? ये कल हमने डिराइव करवा दिया था आपको सो द वर्ल्ड डेबिट मीन्स प्लस क्रेडिट मतलब माइनस एसेट इंक्रीज होगा इनफ्लो हो रहा है एडिशन हो रहा है एंड जब डिक्रीज होगा मतलब आउटफ्लो सब्ट्रैक्शन एक्सपेंस के लिए सेम चीज लाइबिलिटी इनकम के लिए जस्ट द ऑपोजिट So, ये प्रोसेस में सबसे पहले हमको ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना है मतलब जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है वो सारे फिजिकल वाउचर्स को हमको इकट्ठा करना है उनको फिर मैं देखूंगा हर एक वाउचर में क्या रिसीव हुआ क्या दिया मैंने फिर उसको मैं अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करूंगा मतलब जर्नल बनाऊंगा फिर जितने भी आइटम्स हैं जितने भी अकाउंट्स हैं सबका अलग अलग खाता खुलेगा कैश का अलग बैंक का अलग परचेज का अलग सेल का अलग तो जितना भी अकाउंट्स मैं ओपन करूंगा जितना भी लेजर आइटम्स बोल सकते हैं आप जितना भी आइटम्स को मैं सबको अलग अलग पेज में बनाया जाएगा कैश को एक पेज में रखा जाएगा फ़र्नीचर को एक पेज में रखा जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो एक्टिविटी हुई है वो उसी लेजर में आएगा तो जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं जिससे कि सबका समराइज बैलेंस आ जाए फिर ट्रायल बैलेंस बनाते टू चेक कि जर्नल से लेजर सही बनाया गया है कि नहीं एंड ट्रायल बैलेंस में हमारे चार आइटम्स होंगे एसेट का नेट बैलेंस लाइबिलिटी का नेट बैलेंस एक्सपेंस का टोटल इनकम का टोटल समझ रहे हैं एक्सपेंस इनकम टोटल होगा पूरे साल का और एसेट लाइबिलिटी नेट होगा क्यों क्योंकि उसमें इनफ्लो आउटफ्लो हुआ होगा राइट right? तो ये हमको मालूम चलने के बाद हम फाइनल अकाउंट बना लेंगे सो so ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा आज ठीक है राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल रिकॉर्ड से लेके लेजर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट पूरा एंटायर प्रोसेस वी विल लर्न टूडे क्लियर तो हम लोगों ने चार प्रिंसिपल पढ़ा था मैंने आपको कल यह भी बताया था अच्छा एक्सपेंस का मीनिंग बता देता जो बेनिफिट हम लोग इस साल डिराइव कर लेंगे उसको खर्चा बोलेंगे बेनिफिट विच इज टू बी डिराइव्ड इन फ्यूचर वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट में राइट ओके फाइन सो लेट अस स्टार्ट आई गिविंग यू टू गिव यू फ्यू ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज वन लैख बताइए जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा yes. कली बता दिया है पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमारा बिजनेस ठीक है सो बिजनेस में क्या आया है रिसीविंग एस्पेक्ट इज कैश वट इज द सोर्स ऑफ दिस कैश ओनर इज द सोर्स तो उसको अपन कैपिटल बोलते हैं एनीथिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल ठीक है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट सिंपल रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट यही अगर इक्वेशन में देखेंगे तो अपन क्या करेंगे कैश इक्वल्स टू कैपिटल वन लैख वन लैख कल जो बैठाया था राइट right? तो वो जो था अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमारे पास कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे वहां पे कर सकते हैं साल में दस बारह ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ही प्रॉफिट निकाल लीजिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए बट अगर हमारे पास लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन है हर ट्रांजेक्शन के बाद में वो इक्वेशन बनाना संभव नहीं है सो वी नीड टू डेवलप अ प्रोसेस द प्रोसेस इज टू फर्स्ट कन्वर्ट द फिजिकल वाउचर्स इंटू अकाउंटिंग वाउचर उसी को जनरल बोलते हैं अगर आप देखेंगे बुक में बोला जाएगा जनल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज एंड वेनी टॉकर्स उससे मतलब नहीं अपन को अपन को सिंपल मतलब है जो फिजिकल फॉर्म में है जितने भी जि, बिजनेस जो भी एक्टिविटी करता है वो सब फिजिकल फॉर्म में होते हैं फिजिकली डॉक्यूमेंटेड होते हैं उनको हमको अकाउंटिंग शेप देना कि भैया इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया राइट सो द रिसीविंग एस्पेक्ट इज कैश एंड द गिविंग एस्पेक्ट इज कैपिटल जर्नल बनाने का एक फॉर्मेट होता है मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज आर्ट एक कला है कला क्या है कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट नहीं लिखते टू कैपिटल लिखते तो इस मीन्स कैपिटल इज क्रेडिटेड तो वो कला हम लोग को जानने का दरकार नहीं हम लोगों को एसेंस समझना है कला जान के क्या करेंगे राइट नो नीड टू लर्न द आर्ट आर्ट इन मस्ट बी फॉलोड उसको यहाँ पे सीख के फायदा नहीं है तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी हो गया बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग नेट प्रॉफिट पी एल कम्युनिकेट करते हैं बैलेंस शीट कम्युनिकेट करते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस बिकॉज काफ़ी सारा जम्शन फॉलो किया गया है मोनिट्री वैल्यू होना चाहिए अकाउंटिंग इसी बारह महीने का होना चाहिए बिजनेस लाइफ को हम लोग स्मॉल स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करेंगे बारह बारह महीना में परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे सेपरेट एंटिटी होना चाहिए मतलब ओनर और बिजनेस को डिस्टिंग है लीगली अगर देखा जाए तो कंपनी ही सेपरेट माना जाता है बट अकाउंटिंग करने के लिए सोल प्रोप्राइटर को भी सेपरेट माना जाएगा इसलिए तो कैपिटल को लाइबिलिटी ट्रीट किया गया है यहाँ पे राइट एंड एस्पेक्ट ड्यूएल्ट से तो ये एस्पेक्ट से तो ये डिराइव हुआ है इस टाइप का सिस्टम ये जो प्रोसेस है ना इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ना इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से डेवलप हुआ है और मैंने जो आपको बताया था कल अकाउंटिंग इक्वेशन का ये बड़ा फॉर्म है हमने जो किया था टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बट यहाँ पे ये थोड़ा और बड़ा फॉर्मेट है डिटेल्ड मोड में है ये एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस इनकम एनीवे अपने को डबल एंट्री बुक कीपिंग से अकाउंटिंग करना है ड्यूअल एस्पेक्ट में नहीं होगा उसी से ये प्रिंसिपल को डेवलप किया ये रूल को डेवलप किया है हमने नंबर बी परचेस्ड फर्नीचर फोर रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड इन कैश बोलिए बिजनेस में क्या आया है फर्नीचर आया है डेबिट फर्नीचर इज एन एसेट इससे हम लोग फ्यूचर में कमाएंगे अच्छा इसका लाइफ में बता देता हूँ पांच साल है तो समझ में आ ही रहा है ये फिक्सड एसेट है तुम्हारे लिए ऐसा चीज जिससे हम फ्यूचर में कमाएंगे वो हमारे लिए एसेट है फिक्स्ड एसेट बदले में क्या दिया हमने कैश क्रेडिट बीस हजार ठीक है अभी हमारा ये जो बिजनेस है ना ये गारमेंट्स का बिजनेस है क्लियर तो अभी हम लोगों को क्या करना है परचेस्ड टेन थाउजेंड पीसेस ऑफ गारमेंट्स एट द रेट हंड्रेड इच ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा अगर मैं डुअल एस्पेक्ट में इसको डालता तो मैं इसको स्टॉक मानता फिर जब माल बेचता तो दिखाता है कि स्टॉक चला गया आउटफ्लो दिखाता है बट वैसे दिखाने से आपको टोटल परचेस टोटल सेल का आइडिया नहीं लग पाएगा तो लोग कहते हैं कि एक ही अकाउंट में प्लस माइनस मत दिखाइए एसेट लाइबिलिटी का एक ही आइटम में प्लस माइनस दिखा रहे चलता है कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का अलग अलग अकाउंट नहीं बनेगा कैश बोल के बनेगा उसी में इनफ्लो भी आएगा ऑपोजिट साइड में आउटफ्लो आएगा कैश का नेट बैलेंस चलता है बट जो आपका एक्सपेंस इनकम है उसका ऐसे नेट करने से नहीं चलेगा इसीलिए अपन परचेज रिटर्न जब करते तो उसका अलग से अकाउंट खोलते अपने परचेज को भी तो क्रेडिट कर सकते थे वाई डू यू ओपन परचेज रिटर्न सेपरेटली उसके लिए अलग से एक डेबुक बनाते हैं राइट right? सो so, जब भी गुड्स खरीदा जाएगा तो उसको अलग से एक अकाउंट में डाला जाएगा परचेस अकाउंट और जब बेचा जाएगा तो उसको अलग से अकाउंट में डाला जाएगा सेल्स अकाउंट फिर ईयर एंड में मैच करके जो बचेगा उसको अपन स्टॉक दिखाएंगे मैचिंग अभी नहीं होगा ड्यूएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हर एक कदम पे मैचिंग हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली इनफ्लो ऑफ फ्लो स्टॉक में अपने प्लस माइनस करते बट यहां पे ईयर एंड में मैचिंग होगा मैचिंग भी एक हमारा प्रिंसिपल है आज अपन परचेस जो है उसको मैच कर रहे हैं ना सेल्स के साथ कल मैंने दिखाया था हमने खरीदा था दस बेचा आठ था तो अल्टीमेटली खर्चा आठ का ही लिया मैच करने के लिए यही अगर पेरिशेबल आइटम होता तो अपने मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा वहां पे गॉट माय पॉइंट सो एनीवे वे परचेज हमारा एक्सपेंस है डेबिट एक्सपेंस डेबिट है रूल के हिसाब से कहा से आया है माल किसने दिया है शर्मा हैव यू पेड हिम नो इट्स ऑन क्रेडिट तो दीज पर्सन सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट आर नोन एज क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं इसको क्रेडिटर तो शर्मा मेरा क्रेडिटर हो गया लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन हाया ना कितना आएगा दस लाख दस लाख सोल्ड एट थाउजेंड पीसेस ऑफ गारमेंट्स एट द रेट वन फिफ्टी ईच ऑन क्रेडिट टू वर्मा अभी पैसे मिल गए कि मिलेंगे किससे तो वर्मा मेरा रिसीविंग एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे इस टाइप का रिसिविंग एस्पेक्ट को अपने सन्ड्री डेटर्स बुलाते हैं जिनको मैं उधार में बेचता हूँ तो जिनसे खरीदूंगा उनको क्रेडिटस ये सब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है सो so, वर्मा डेबिट कितना बारह लाख गिविंग एस्पेक्ट हमारा गुड्स है मैंने बोला था उसको अलग से हम सेल्स में डालेंगे सेल्स क्रेडिट बारह लाख ठीक है

सर्विस जगह को यूज किया मतलब आपने सर्विस रिसीव किया है उसके उसी को आप उस इस टाइप का सर्विस को अपन रेंट के नाम से बुलाते हैं तो रेंट एक्सपेंस हो गया आपका डेबिट हां थर्टी थ्री थाउजेंड पे किया ग्यारह महीने का और कैश क्रेडिट थर्टी थ्री सिंपल है ना कैश कलेक्टेड फ्रॉम वर्मा रुपीज दस लाख दस लाख रुपए हमने वर्मा से कलेक्ट किया है तो अभी रिसीविंग एस्पेक्ट क्या है कैश गिविंग एस्पेक्ट क्या है वर्मा कैश पेड टू शर्मा एट लाख व्हाट इज योर रिसीविंग एस्पेक्ट रिसीविंग एस्पेक्ट क्या है तुम्हारा कई बार होता है तुम रिसीव नहीं करते कोई और रिसीव करता है तो वो हो जाएगा रिसीविंग एस्पेक्ट यस और नो और अगर प्रिंसिपल से जाएंगे रूल से तो लाइबिलिटी जब पैदा किए थे तो शर्मा को क्रेडिट किया था देखो लाइबिलिटी उस समय इंक्रीज हुआ था तो क्रेडिट अब चुका रहे हैं तो डिक्रीज होगा तो डेबिट आप ये रूल भी लगा के कर सकते हैं अगर मान लो सिंपल सा चीज मैं आप तुमको बताता हूं आज अगर मेरा कैश एसेट है तो आगे जाके इसका नेचर चेंज नहीं होगा ये एसेट ही रहेगा तो इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट देखो इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट डिक्रीज क्रेडिट इंक्रीज डेबिट समझ में आ रहा है? अभी अगर मेरा शर्मा मेरा ऑब्लिगेशन है लाइबिलिटी है तो आगे जाके चेंज नहीं होने वाला है ये घट माई पॉइंट तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट अब डिक्रीज हो रहा है चुका रहे हैं तो और वैसे देखेंगे तो हुज रिसीव दनी शर्मा तो रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ शर्मा हो गया तो जर्नल करने के लिए यह रूल नहीं भी होगा तो भी हम जर्नल कर देंगे सिंपल कॉन्सेप्ट है रिसीविंग एस्पेक्ट विल बी डेबिट गिविंग एस्पेक्ट विल बी क्रेडिट जरूरी नहीं आप कुछ रिसीव करें आप कुछ दें आप किसी को दे रहे हैं तो वो रिसीविंग हो गया आप किसी से ले रहे हैं तो आप रिसीविंग हो गए वो गिविंग हो गया हर एक ट्रांजेक्शन में क्या एक्सचेंज हुआ है वो देखना जरूरी है किसके साथ हुआ है वो भी देखना जरूरी है तो यहां पे मैंने लाइबिलिटी चुकाया है डेबिट आठ लाख और कैश मेरा गिविंग सोर्स हो गया येस और नो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में डेली एक्टिविटीज होती रहती है हम लोग जर्नल में अकाउंटिंग वाउचर में उसको कन्वर्ट करते हैं इसको हमने अकाउंटिंग मीनिंग दे दिया इन फिजिकल वाउचर को रिसीविंग गिविंग गिव टेक यू गिव आई टेक एंड लेटर आई गिव यू टेक तब बराबर हो जाएगा हिसाब हाया ना गोट माई पॉइंट तो अभी हमने जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं दिन में सब लाइन से हम लोग रिकॉर्ड करते चलेंगे अभी माथा ही नहीं लगाना है अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने कितना खाता खोला है ध्यान से देखेगा तो कैश एक कैपिटल दो फर्नीचर तीन कैश ऑलरेडी खुला हुआ है परचेस चार शर्मा पांच छ सात आठ बस हो गया तो आठ पन्ना का मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा एट पेजेस हर एक पन्ना में एक एक लेजर खोलेंगे हम तो मैं खाली एक करके दिखाऊंगा बाकी आप लोग घर में होमवर्क करेंगे तो अभी मैं बताता हूं लेजर लेजर क्या होता है इट्स अ हार्ड बाउंड बुक वेयर ईच एंड एवरी पेज इज एलोकेटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट लेजर इज हार्ड बाउंड बुक हर एक पेज में एक एक लेजर खोलेंगे हम लोग जिससे कि उस पर्टिकुलर लेजर का मेरे को समराइज बैलेंस मिल पाए समराइज बैलेंस का मतलब समझ लो फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम विल कम टू नो टोटल फॉर द ईयर समझ में आ रहा है एक्सपेंस इनकम का हमको टोटल मालूम चलेगा एंड फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस एट ईयर एंड ये कभी कंफ्यूजन मत करना जितना भी एक्सपेंस इनकम अकाउंट देखोगे ना उसमें एक ही साइड में ऐड होते जा रहा है हर महीना भाड़ा दिया पहला महीना तीन हजार फिर तीन हजार फिर तीन हजार फिर तीन हजार पहला महीना तीन हजार तो क्लोजिंग बैलेंस तीन हजार अगला महीना फिर तीन हजार दिया तो क्लोजिंग बैलेंस छह हजार फिर तीन हजार दिया नौ बारह पंद्रह अट्ठारह इक्कीस चौबीस सत्ताईस तीस तैंतीस लेकिन कैश में ऐसा नहीं होगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा तो एक्सपेंस इनकम में जनरली अपन टोटल फॉर द ईयर निकालते हैं और एसेट लाइबिट में बैलेंस एट ईयर एंड इसीलिए अगर आप ध्यान से देखे होंगे कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर लिखा जाता है क्योंकि इनकम फॉर द ईयर माइनस एक्सपेंस फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर एज केस ऑफ बैलेंस शीट वी राइट एज ऑन आज के दिन में आपकी औकात यह है कल अच्छी भी हो सकती है बिगड़ भी सकती है गॉट माई पॉइंट तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ये चीज तो लेजर में अपन जो निकालते हैं समराइज बैलेंस हर एक एक आइटम का पहले तो आया गया आया गया करके देख लो उस जर्नल करते वक्त तो कुछ सोचते ही नहीं अपन अभी तुम मेरे को पूछो टोटल परचेस क्या मैं नहीं बता पाऊंगा हालांकि यहां तो एक ही ट्रांजैक्शन है तो मैं बता दूंगा दस लाख है ऐसे हजारों ट्रांजेक्शन होंगे तो मैं क्या कैलकुलेटर लेके बैठूंगा खाली अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है ना टैली, उसमें भी खाली आपको ये करना ये जो मैं करवा रहा हूं आपको ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर करके देगा आपके लिए बट मैनुअल अकाउंटिंग में ये अपन को लेजर वगैरह बनाना पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे सपोज मान लो कैश फॉर्मेट में पूरा पन्ना को आधा डिवाइड कर देंगे ऊपर में लिखेंगे कैश का खाता मतलब यहां पे कैश का हिसाब रखा जाएगा खाता मतलब अकाउंट मतलब हिसाब कैश अकाउंट कैश का खाता कैश का पन्ना जो बोलना है बोल लो राइट अभी यहां पे हमको समझ में आ गया इनफ्लो यहां आएगा आउटफ्लो यहां आएगा सिंपल अच्छा ये जो रूल है ना कैश का नेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता पैसा होगा तो खर्चा करेंगे ना पैसा नहीं और खर्चा कर दे कैसे पॉसिबल है तो कैश हमेशा पॉजिटिव होगा एक्सपेंस हमेशा बेनिफिट डिराइव्ड होगा पॉजिटिव में होगा लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगा इनकम हमेशा क्रेडिट होगा तो हर एक आइटम का जितना भी रिसीविंग एस्पेक्ट है या तो आप कोई सर्विस रिसीव करेंगे या आप कोई रिसोर्स रिसीव करेंगे सर्विस रिसीव किया तो एक्सपेंस रिसोर्स रिसीव किया तो एसेट या तो आप किसी से उधार लेंगे या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इनकम उधार लेंगे तो लाइबिलिटी तो हर एक नेचर का एक बैलेंस होता है कि ये पॉजिटिव ही हो सकता है नेगेटिव कभी नहीं हो सकता वैसे कैश हमेशा डेबिट होगा मतलब सारा एसेट का यूजुअली बैलेंस डेबिट होता है कभी भी क्रेडिट नहीं होता है सारे एक्सपेंस का बैलेंस यूजुअली डेबिट होता है इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है लाइबिलिटी जब चुकाते हैं तो उस समय अपन करते हैं डेबिट जैसे अभी शर्मा को डेबिट किया गया यहां पर तब जाके बराबर हो जाएगा हिसाब राइट right? तो हमने कैश का खाता खोला कैश का बैलेंस यूजुअली डेबिट ही आएगा मैं आपको दिखा देता हूं अभी तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में अगर आप गौर करेंगे बिजनेस में मैंने एक लाख रुपया डाला था तो डेबिट कैश डेबिट क्या इसलिए डेबिट साइड में आएगा रेफरेंस अपन क्रेडिट का लिखते हैं इफ एनी अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल लेजर पोस्टिंग का नियम बता रहा हूं अगर जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी वो डेबिट ही होगा रेफरेंस अपन क्रेडिट का देंगे तुम लोग हमेशा टू कैपिटल पहले लिखोगे उसके बाद में अमाउंट लिखोगे लेकिन मेरा देखना मैं हमेशा पहले अमाउंट लिखूंगा उसके बाद में रेफरेंस डालूंगा सेकंड वाले में हमने पे किया है क्रेडिट बीस हजार किस लिए पे किया फर्नीचर खरीदा फिर मैंने थर्टी थ्री पे किया है किस लिए भाड़ा दिया है फिर दस लाख रुपए हमारे बिजनेस में आया है किस लिए वर्मा ने दिया है फिर हमने आठ लाख रुपया शर्मा को पे किया है देख रहा है मेरा रेफरेंस हमेशा बाद में लिख रहा हूं मैं, पहले लिख ही नहीं सकता मैं क्योंकि मेरे को रटा हुआ है वो, कि अगर कोई अकाउंट जनरल में डेबिटेड है तो उसके डेबिट साइड में आएगा अगर कोई अकाउंट क्रेडिटेड है तो वो उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा रेफरेंस अपने बाद में देंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा टू का अगर ये रेफरेंस में गलत भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा तो बैलेंस सही आएगा और दूसरी बात तो हमको इसमें माथा ही नहीं लगाना है क्योंकि रियल लाइफ में तो हमको बनाना ही नहीं है कभी भी अभी आप गौर से देखेंगे तो अपन क्या करते हैं हाईएस्ट टोटल लिखते हैं जैसे इसका ग्यारह लाख है इसका देखेंगे तो एट लाख फिफ्टी थ्री है तो हाइएस्ट टोटल लिखा जाएगा विथ साइड इज हेवियर डेबिट साइड इज हेवियर तो बैलेंस भी डेबिट में आएगा सिंपल कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस से ज्यादा तो नेट रिजल्ट प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा प्लस में ही आएगा अपन लिखेंगे उसको माइनस साइड में जो सो दैट बोथ साइड्स गेट्स इक्वल तो अपन लिखते हैं यहां पे बाई बैलेंस डाउन कितना टू लैख फोर्टी सेवन कि दोनों बराबर हो जाए बट अल्टीमेटली तो पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना तो ये खाली एक फॉर्मेलिटी है ये वाला जो स्टेप है ये जो मैंने दिखाया ना ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है बैलेंस कैरीड डाउन वाला डायरेक्टली आप इस इससे आपको मतलब है यू शुड बी कंसर्न अबाउट दिस तो वैसे मैं आपको एक और दिखाता हूं अगर मान लो हमको शर्मा बनाना है शर्मा का खाता खोलना है सो so, लाइबिलिटी है इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आएगा या जीरो होगा चुका देने के बाद तो पहले हमने दस लाख का इससे माल खरीदा देखो शर्मा को क्रेडिट किया किस लिए क्योंकि बाई परचेज आपने माल खरीदा है फिर आपने आठ लाख रुपया से शर्मा को डेबिट किया क्यों क्योंकि तो आपने चुका दिया टू कैश बताइए टोटल कितना आ रहा है दस लाख जो हैवियर टोटल है वो वाला लिखेंगे तो अल्टीमेटली मेरे को मालूम पड़ गया बैलेंस इसका क्रेडिट ही आने वाला है दो लाख खाली जस्ट एक फॉर्मेलिटी करूंगा बैलेंस कैरिट डाउन यहां पे लिखूंगा बस क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा तो ये सब चीज मालूम होने से कभी भी स्टूडेंट का आधा टेंशन खत्म हो जाता है क्योंकि आगे जाके सारे चैप्टर्स में आपको जनरल एंट्री नहीं पूछेगा लेजर अकाउंट सीधा बनाने बोलेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो लोग पहले जर्नल लिख लेते हैं उसके बाद वो लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं नहीं माथा ही नहीं लगाने का है इज दैट फाइन अच्छा अब हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस हमको बनाना है प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस ठीक है क्या बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस ये किस लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेदर फ्रॉम द जर्नल लेजर हैज बीन प्रिपेर करेक्टली और नॉट तो आप किस टाइप की गलती कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं अभी आप देखिए कैश डेब क्रेडिट भी हुआ है शर्मा डेबिट हुआ है पेमेंट टू शर्मा को तो जब कैश पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो कैश आउटफ्लो में आएगा शर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो शर्मा लाइबिलिटी चुक रहा है डेबिट में आएगा यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों अकाउंट में पोस्टिंग हो क्योंकि रिसीविंग एस्पेक्ट जब रिसीविंग एस्पेक्ट का खाता बनाएंगे तो वहां भी जाएगा ये गिविंग एस्पेक्ट का लेजर अकाउंट बनाएंगे वहां पर भी जाएगा तो बहुत जन क्या करता है एक में डालता है दूसरा में डालना भूल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल ओमिशन क्या बोलेंगे उसको पार्शियल ओमिशन तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया इसका मतलब गलती है इफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली देन देर इज पार्सियल ओमिशन इफ ट्रायल वैलेंस डू नॉट टैली देन देर इज पार्सियल ओमिशन जब मैच नहीं करेगा इसका मतलब एक में हुआ है, दूसरा में नहीं हुआ है या कई बार ऐसा होता है आठ लाख के जगह अस्सी हजार लिख दिए शर्मा के जगह शाम में डाल दिए अमाउंट भी गलत डाले उल्टा साइड में डाल दिए अमाउंट गलत डाल दिए बैलेंस गलत निकाल लिए इनको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन क्या बोलेंगे इनको एरर ऑफ कमीशन तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया इसका मतलब ये दोनों एरर मौजूद है दीज टू एरर्स आर देयर तो पूरा बुक्स अकाउंट वापस से स्क्रूटनी करना पड़ेगा लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको जान के बहुत खुशी होगी केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग द एवफ एरर्स कैन नॉट हैपेन हो ही नहीं सकता चाह कर भी नहीं कर पाएंगे जनरल रिकॉर्ड हो गया मतलब दोनों में पोस्टिंग चल गया सही जगह जाएगा सही अमाउंट के साथ जाएगा कुछ कुछ गलतियां ऐसी हैं जो मान लो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो तुम क्या बोलेगा सब सही है सब सही है सब सही है, सब सही है। सब सही क्या है लेजर पोस्टिंग सही है सब में क्या सही है लेकिन गलती क्या है नेचर क्लासिफिकेशन तुम्हारा गलत हो गया नेचर क्लासिफिकेशन मतलब तुमने रेंट को एक एक्सपेंस नहीं एसेट मान लिया हालांकि है वो डेबिट ही एसेट भी डेबिट है और एक्सपेंस भी डेबिट है शर्मा को इनकम मान लिया क्लासिफिकेशन गलती तो इवन इफ ट्रायल बैलेंस टैली स्टिल देयर विल बी सम मिस्टेक्स। वॉट काइंड ऑफ मिस्टेक एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन एरर। या कंप्लीट ओमिशन ट्रांजेक्शनिच रिकॉर्ड नहीं किया उसका डेबिट क्रेडिट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोनों अकाउंट में नहीं गया या ना तो ये हम लोग बात करेंगे रेक्टिफिकेशन में तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा मतलब ये दोनों एरर मौजूद है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करे तो ये दोनों एरर मौजूद भी नहीं होगा क्योंकि उसमें लेजर पोस्टिंग हमको करने का दरकार ही नहीं पड़ता सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है लेकिन कुछ कुछ एरर ऐसा है इवन इफ ट्रायल बैलेंस टैली इवन इफ यू आर डूइंग इन कंप्यूटराइज एनवायरमेंट स्टिल दीज एर विल बी देयर कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल ये दो एरर ऐसा है तुम ट्रायल बैलेंस टैली करे चाहे तुम कंप्यूटर में करो कुछ भी करो ये एरर मौजूद रहेगाट माई पॉइंट चलिए तो अभी ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्मेट क्या है अगेन इसका भी एक आर्ट है हम लोग ट्रायल बैलेंस लिखेंगे यहाँ डेबिट अमाउंट मतलब डेबिट का जो नेट बैलेंस आया क्रेडिट अमाउंट मतलब जो क्रेडिट का नेट बैलेंस आया और यहां पे नेम ऑफ अकाउंट तो नेम ऑफ अकाउंट हम तो लाइन से हम ही पहले लिख देते हैं कैश अकाउंट है एक देन कैपिटल अकाउंट है देन वी हैव फर्नीचर अकाउंट परचेज अकाउंट शर्मा अकाउंट वर्मा अकाउंट सेल्स अकाउंट रेंट अकाउंट कैश का तो नेट में डेबिट आया हम लोगों को मालूम है 247 कैपिटल एक लाख आएगा क्रेडिट में कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस आएगा फर्नीचर का डेबिट में आएगा परचेज का डेबिट में आएगा शर्मा का क्रेडिट में आएगा वर्मा का डेबिट में आएगा सेल्स का क्रेडिट में आएगा रेंट का डेबिट में आएगा हिसाब से देखेंगे तो टोटल आएगा पंद्रह लाख तो ये मैच हो गया मतलब कोई भी लेजर पोस्टिंग गलती नहीं है एरर ऑफ कमीशन भी नहीं है लेजर पोस्टिंग भी नहीं है अभी हम इसकी मदद से क्या हुआ दो चीज हुआ देखो सारा एसेट लाइबिलिटी का नेट बैलेंस आ गया आज के दिन और एक्सपेंस इनकम का पूरे साल का टोटल आ गया तो इससे हमको पीएल और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प मिलेगा तो ट्रायल बैलेंस का खाली ये मकसद नहीं है कि खाली अरिथमेटिकल है क्या और ऐसी चेक करो ट्रायल बैलेंस का यह भी मकसद होता है कि इट विल हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट राइट ट्रायल बैलेंस विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाने में यह मदद देगा हम लोगों को Is that fine? अभी हम लोग फाइनल अकाउंट तो बनाएंगे ये सब क्या है सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुका है तो इनको हम लोग बोलेंगे रिकॉर्डेड आइटम्स क्या बोलेंगे इनको रिकॉर्डेड आइटम्स अभी इन सब ट्रांजैक्शंस का समरी ये है अब इनका समरी भी कुछ हो सकता है जिसको अपन इवेंट्स बोलते हैं सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसका समरी है ये अब इनका रिजल्ट बताओ आउटकम इवेंट्स बताइए ये जो इतना सारा ट्रांजैक्शन किया इसका इवेंट्स बताइए जो अपने जिसको अपन क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के पहचानते हैं होता ना फाइनल अकाउंट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरी भाषा में हम इनको बोलते हैं आइटम्स नॉट येट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इसीलिए इनको दो बार रिकॉर्ड करना पड़ता है इनका रिसिविंग एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ता है गिविंग एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ता है यह जो है ये ड्यूरिंग द ईयर हो चुके हैं कुछ कुछ चीज ऐसा है जो एंड ऑफ द ईयर ही मालूम चलता है उसके पहले मालूम भी नहीं चलेगा क्लोजिंग स्टॉक हालांकि वो तो पूरे सारे ट्रांजेक्शन का आउटकम है ही तो क्या तुम क्लोजिंग स्टॉक मिड ऑफ द ईयर निकाल सकता है तो क्या तुम क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड कर सकता है यू हैव टू टू वेट फॉर द ईयर एंड दैट इज आर नॉट रिकॉर्डेड चीज समझो इन सारे का आउटकम कब मालूम पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर इन आउटकम्स को अपन इवेंट बोलते हैं क्या ये रिकॉर्डेड है नहीं क्यों रिकॉर्डेड नहीं है अभी तक क्योंकि सर ड्यूरिंग द ईयर मालूम भी नहीं चल सकता अपन को एंड ऑफ द ईयर तक वेट करना ही पड़ेगा तभी जाके अपन को मालूम चलेगा तो इसमें से कौन कौन सा इवेंट ऐसा है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ सबसे पहला बताइए क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक इन हैंड परचेज कितना किया था दस हजार बेचा आठ हजार तो उसी परचेज में से दो हजार बचा हुआ है ना 2000 कैसे बचा हुआ है परचेज में से बचा हुआ ध्यान रखिएगा ये बात को परचेस में से 2000 बचा हुआ है खरीदा था एक, एक को सौ में चलो दो लाख रुपया मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया नेक्स्ट प्रॉफिट होगा वेरी गुड वो भी निकालना है नेक्स्ट कैपिटल तो है ट्रायल बैलेंस में एक लाख आउटस्टैंडिंग रेंट वेरी गुड पूरे साल में खर्चा कितने महीने का आएगा कल ही बताया था एक्सपेंस मतलब बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड तो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड तो खर्चा 12 महीने का आना चाहिए लेकिन अपना ट्रायल बैलेंस में कितने महीने का दिख रहा है तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग है और बताइए डेप्रिशिएशन आएगा क्योंकि एसेट से बेनिफिट ड्राइव किया एक साल हो चुका है ना पांच साल लाइफ है उसका और कुछ जो नॉट रिकॉर्डेड है अभी तक नहीं ये सारे इसलिए रिकॉर्डेड नहीं है पहला बात तो दीज आर रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस जो कि एंड ऑफ द ईयर मालूम चलेगा ये अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है रिजल्ट कभी भी स्टार्टिंग में मालूम नहीं चलता है इट इज नॉट फिनिश्ड तो जब तक बुक्स सब अकाउंट क्लोज नहीं होगा तब तक अपने को इवेंट्स अनरिकॉर्डेड आइटम्स इन सब का आइडिया नहीं लग पाएगा इसीलिए इनको एडिशनल इंफॉर्मेशन में और मैम तुम लोग को बढ़ाई होगी दो दो बार आएगा कितनी बार आएगा दो, दो बार आएगा राइट right? तो सबसे पहले अपन ट्रायल बैलेंस वाला आइटम रिकॉर्ड करेंगे ये रिकॉर्डेड आइटम्स से बोल के ये एक जगह जाएगा जैसे बताइए कैश क्या है एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम तो ये बैलेंस शीट में जाएगा सभी को मालूम है डेबिट मतलब एसेट एक्सपेंस क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा परचेस पीएल में जाएगा शर्मा बैलेंस शीट में जाएगा वर्मा बैलेंस शीट में जाएगा सेल्स पीएल में जाएगा रेंट हो गया जब से मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से मेरे को इनका नेचर मालूम है अगर सोचो मैं रिकॉर्ड करते वक्त पर्सनल रियल नॉमिनल किया होता तो आज मेरे को वापस से इसको रिक्लासिफाई करना पड़ता है इनटू एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच कोई फॉलो नहीं करता है स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करते वक्त ही तुमको मालूम होना चाहिए एसेट अगर कोई पर्सनल रियल नॉमिनल करेगा कैश इज अ रियल अकाउंट डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट कैश इज कमिंग इन सो कैश इज डेबिटेड वर्मा इज पर्सनल अकाउंट वर्मा इज द गिवर ऑफ कैश सो ही विल बी क्रेडिटेड सो कैश टू वर्मा हो गया ऐसे ही ना करते हैं फिर वर्मा ट्रायल बैलेंस में भी है कैश भी ट्रायल बैलेंस में अच्छा कैश एसेट होता है वर्मा सन्ड्री डेटर है तो ये आपको रिक्लासीफाई करना पड़ेगा अब मैं स्टार्टिंग से मेरे को मालूम है वर्मा डेटर मतलब एसेट कैश मेरा एसेट है तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसका नेचर वही रहेगा गॉट माई पॉइंट तो ट्रायल बैलेंस में यह सब समराइज है यह सब रिकॉर्डेड है इनके अलावा भी कुछ कुछ आइटम्स है जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है तो जो रिकॉर्डेड है वो फाइनल अकाउंट में एक जगह आएगा जो नॉट रिकॉर्डेड है वो फाइनल अकाउंट में क्यों क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं, नहीं receiving recorded है ना ही रिसिविंग रिकॉर्डेड है ना ही गिविंग रिकॉर्डेड है ठीक है सो हम लोग बनाएंगे पीएल एंड बैलेंस शीट मैं बस शॉर्ट में बना रहा हूँ पीएल में अपन डेबिट क्रेडिट लिखते हैं डेबिट में जाएगा एक्सपेंस क्रेडिट में जाएगा इनकम बैलेंस शीट यहाँ जाएगा एसेट्स राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा लाइबिलिटी सबसे पहले अभी मैं मार्शलिंग वगैरह कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूं सिंपल कैश हमारा एसेट है खाली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कैपिटल लाइवलिटी अच्छा कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा क्योंकि मेहनत किसने किया ओनर ने सारा खून पसीना सब ओनर ने बहाया तो प्रॉफिट भी ओनर को मिलेगा इसलिए कैपिटल को हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे अभी फर्नीचर एसेट है ना फर्नीचर को भी अपन इनर कॉर्नर में रखेंगे क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट बेनिफिट डिराइव में चला गया है डेप्रीशिएशन देन वी हैव शर्मा लाइबिलिटी है हमारा दो लाख रुपए से देन वी हैव वर्मा एसेट है दो लाख रुपए से फिर हमारा परचेज एक्सपेंस है सेल्स इनकम है और रेंट हमारा एक्सपेंस है ठीक है ओके तो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया अभी इनको एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी ना किसी के साथ एडजस्ट होगा उसके बाद ये अपना जैसे क्लोजिंग स्टॉक मेरे को बताइए क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट है एक्सपेंस है लाइबिलिटी है कि इनकम है सर लाइबिलिटी तो है नहीं है हमारा इनकम है नहीं इस साल बिका नहीं अगर बिक जाता तो एक्सपेंस माना जाता अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो वो एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि वो सबसे पहले बिकता है तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं है राइट right? एसेट है तो एसेट है मतलब कहां पर आएगा बैलेंस शीट में आएगा सिंपल हा एसेट है तो कहां आएगा बैलेंस लेकिन इसको ऐसे नहीं दिखा सकते ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा हुआ है परचेज से बचा हुआ है तो इसका महीने का मतलब है इसी परचेज में से दो लाख एसेट है लास्ट जो मैंने आपको कराया था वन लैख थर्टी थाउजेंड हमने भाड़ा दिया था रिमेंबर जो हमारा प्रीपेड आया था दस हजार वो एक तीस में से ही ना आया था ये, ये जो वन लैख थर्टी जो मैंने भाड़ा दिया है एक्सपेंस हमारा है वन ट्वेंटी तो जो दस हजार प्रीपेड है जो दस हजार प्रीपेड है वो कहां से बचा हुआ है वन थर्टी से ही ना है इसी में से ना दस हजार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या अलग से कोई माल खरीदा वो बच गया नहीं परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक है वॉट एवर यू हैव परचेज इसी से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा आया ना तो पहले परचेज से एडजस्ट करना पड़ेगा उसके बाद इसको आप स्टॉक क्योंकि एक ही चीज को आप परचेज में भी इंक्लूड करके रखें या तो बेनिफिट डिराइव है या नॉट है दोनों कैसे हो सकता है या तो आप बेनिफिट डिराइव्ड है या आप बेनिफिट नॉट ए डिराइव्ड है दोनों नहीं हो सकता तो इनिशियली जब आप माल खरीदते हैं तो आप उसको परचेस एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि कोई भी आदमी यह नहीं सोच के खरीदता कि हमारा स्टॉक बच जाए वो इसी जज्बे से खरीदता है कि यह बिक जाएगा और उसी परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो उसको एसेट तभी दिखा पाएंगे जब यहां से दो लाख हटाएंगे तो अब इसको तो लिख चुके या तो एक तरीका है कि इसको काट के आठ लाख कर दो बट वो नहीं करेंगे इसलिए अपन ऑपोजिट साइड में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक इसलिए अपन ऑपोजिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दो लाख जैसे अपन इसको लिखा दो चीज हो गया पहला बुक्स में हमारा क्लोजिंग स्टॉक एसेट आ गया आया कि नहीं आया पहले ये परचेस में घुसा हुआ था अभी इसको जैसी अपने यहां दिखाई तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट आ गया आया ना और सेकंड हमारा अभी नेट परचेज कितना है आठ लाख आठ लाख मतलब आठ हजार पीस का परचेस और सेल कितने का है आठ हजार पीस का है तो मैचिंग भी हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से दो चीज होता है परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक तो परचेस से एडजस्ट करो क्लोजिंग स्टॉक सिंपल क्लोजिंग कहां से बचा है परचेज से बचा हुआ है तो परचेस से एडजस्ट करो तो क्लोजिंग स्टॉक एसेड भी आ जाएगा और परचेज मैच हो जाएगा मैच का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वैल्यू को मैच करना क्वांटिटी को मैच करना है अगर इधर में रेवेन्यू 8000 पीस का है तो यहां पे खर्चा भी 8000 पीस का होगा जितना माल बेचा उतने का ही ना कमीशन देगा कि उससे ज्यादा का कैसे देगा अगर तुम्हारा सेल्समैन है तो तुम जितना माल बेचा उसी का ना कमीशन देगा उसको तो यहां पर भी वही चाहिए जितने का रेवेन्यू उतने का ही खर्चा सर रेवेन्यू आठ हजार पीस का खर्चा है दस हजार पीस का कैसे होगा मैचिंग हुआ ही नहीं मैचिंग होगा क्लोजिंग स्टॉक दिखाते ही मैच हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक परचेस से है तो परचेस से हटाओ एसेट दिखाओ और परचेस भी मैच हो गया एक तीर दो निशाना क्लोजिंग स्टॉक एसेट भी आ गया और परचेज मैच भी हो गया गॉट माई पॉइंट नेक्स्ट प्रॉफिट तो बाद में आएगा सब करने के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा पीएल में खर्चा कितने महीने का आना चाहिए बारह महीना मतलब छत्तीस हजार का आना चाहिए या ना तो थर्टी थ्री को छत्तीस बनाना है ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे ऐड करेंगे तीन हजार तब जाके ये थर्टी सिक्स बनेगा तो बेसिकली आपने खर्चा को तीन हजार से बढ़ा दिया क्या आपने पैसे दिए हैं इसके इसीलिए आप इसको दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट तो पहले ये एक्सपेंस के साथ एडजस्ट होगा उसके बाद इसको आउटस्टैंडिंग दिखा पाएंगे प्रीपेड को एक्सपेंस से माइनस करेंगे उसके बाद उसको आप एसेट दिखा पाएंगे तो ऐड होना है कि लेस होना है ये कॉमन सी बात है चार हजार रुपये डेप्रीसिएशन देना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बीस तो था चार हजार बेनिफिट डिराइव कर लिए चार हजार रुपया फर्नीचर का खून चूस लिया सिक्सटीन थाउजेंड बचा हुआ है ना तो ट्वेंटीन ट्वेंटी को सिक्सटीन में लाना है तो क्या करेंगे लेस डेप्रीसिएशन चार हजार अभी डेप्रीशिएशन है क्या तुम्हारे लिए एक्सपेंस वेरी गुड ठीक है तो फिर से बताओ सर क्लोजिंग स्टॉक एसेट है क्लोजिंग स्टॉक परचेस से है तो परचेस को तो काट के ठीक कर नहीं सकते इसलिए ऑपोजिट साइड में लिखेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक को एसेट दिखा सकते हैं पहले एडजस्ट राइट right? तो क्या करना है अपने को एडजस्ट फ्रॉम परचेस एंड तब हम इसको एसेट दिखा पाएंगे जैसे एडजस्ट करते परचेस मैच भी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लाइबिलिटी है इसका नेचर तो लाइबिलिटी है ना तो क्या करेंगे पहले खर्चा को बढ़ाओ एक्सपेंस को इंक्रीज तब जाके हम इसको लाइबिलिटी दिखा पाएंगे 33 को 36 सिक्स करना तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है डेप्रिश मतलब बेनिफिट डिराइव किसका बेनिफिट डिराइव किया फर्नीचर तो सबसे पहले एडजस्ट करेंगे फ्रॉम फर्नीचर एंड तब इसको एक्सपेंस बोल के दिखाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक परचेस से एडजस्ट होगा फिर एसेट दिखाएंगे ये एक्सपेंस से एडजस्ट होगा फिर लाइबिलिटी दिखाएंगे नेचर का भी मत भूलना और ये फर्नीचर से एडजस्ट होगा फिर इसको एक्सपेंस दिखाएंगे इज दैट फाइन हाँ पक्का तो अभी क्या करना है अपन को प्रॉफिट कितना हुआ है इनकम एक्सपेंसिस ज्यादा है कितना आ रहा है प्रॉफिट तीन लाख साठ हजार प्रॉफिट का हकदार ये ओनर है बैलेंस शीट टोटल मैच करेगा ठीक है तो ट्रायल बैलेंस मतलब रिकॉर्डेड आइटम्स समरई हो चुका है एक जगह आएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब इवेंट्स इवेंट्स मतलब रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड आइटम्स अनरिकॉर्डेड व्हाई नॉट रिकॉर्डेड लास्ट में मालूम चलता है एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ एडजस्ट होगा फिर अपना नेचर पकड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक परचेस से है तो पहले परचेस से एडजस्ट करो फिर वो एसेट बनेगा आउटस्टैंडिंग पहले एक्सपेंस को बढ़ाओ फिर आप लाइबिलिटी दिखा पाएंगे डेप्रिशिएशन पहले फर्नीचर से एडजस्ट करो फिर आप उसको एक्सपेंस दिखा पाएंगे इसलिए इनको एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बोला जाता है प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा है ना तो अभी हम लोग इनका एडजस्टमेंट एंट्रीज भी एक बार देख लेते हैं बहुत सिंपल है ये जो इस क्वेश्चन का कई बार हम लोग को पूछता है फाइनल अकाउंट डायरेक्टली कर लिया या तो एडजस्टमेंट एंट्री से दे देगा तो पहला वाला क्या बोला क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है परचेज से एडजस्ट करना है तो परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है डेबिट तो परचेज से एडजस्ट करना मतलब टू परचेज अकाउंट या ना टू परचेज को दो लाख से कम करेंगे तब जाके इसको क्लोजिंग स्टॉक एसेट दिखा पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट होता है ना डेबिट आउटस्टैंडिंग का बताओ एक्सपेंस बढ़ाना है ना तो रेंट को बढ़ाएंगे एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तीन हजार से बढ़ाओ और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है लाइबिलिटी होता है क्रेडिट डेप्रिसिएशन फर्नीचर से एडजस्ट होगा तो फर्नीचर को पहले करो क्रेडिट एसेड डिक्रीज और डेप्रिशिएशन एक्सपेंस डेबिट तो पहले किसी ना किसी के साथ एडजस्ट हो रहा है एडजस्ट 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 परचेस से एडजस्ट हो रहा है फिर इसको एसेड दिखा रहे हैं एक्सपेंस से एडजस्ट हो रहा है फिर इसको लाइबिलिटी दिखा रहे हैं एसेट से एडजस्ट हो रहा है फिर इसको एक्सपेंस दिखा रहे हैं ठीक है प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा है ना अनरिकॉर्डेड को अपने रिकॉर्ड दो तरीके से फाइनल अकाउंट बनता है अनरिकॉर्डेड का पहले आप जनल एंट्री कर लीजिए जैसे आप अनरिकॉर्डेड का एंट्री करेंगे तो होगा क्या लाख हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक एसेट आ जाएगा इसलिए बचपन में जब तुम लोग लॉलीपॉप खाता था मैम क्या बोलती थी अगर परचेस के बगल में एडजस्टेड लिखा रहे तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लेना इसका मतलब क्या है जनल एंट्री करने के बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद में हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है हर एक आइटम एक ही जगह आएगा तो सीधा फिर क्लोजिंग स्टॉक चल जाएगा बैलेंस शीट एसेट में आउटस्टैंडिंग चल जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी में डेप्रिसिएशन आ जाएगा सीधा एक्सपेंस में अगर एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया है इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है यस और नो तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है एसेट आउटस्टैंडिंग क्या है लाइबिलिटी डेप्रीसिएशन क्या है एक्सपेंस प्रीपेड क्या है एसेट डायरेक्टली दिखाएंगे क्योंकि हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्री किया नहीं बोल के फाइनल अकाउंट करते वक्त एडजस्टमेंट भी दिखाया और उसका ट्रीटमेंट भी दिखाया अगर आप ये एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इफ यू डू दिस तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा Trial balance after adjustment. कैश में कोई चेंज नहीं आएगा अच्छा प्रॉफिट नहीं निकला है प्रॉफिट तो लास्ट में निकलता पीएल बनाने के बाद ही कैश में कोई चेंज नहीं आएगा कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आएगा फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा कितना सिक्सटीन और इधर में आ जाएगा डेप्रीसिएशन सीधा चार फर्नीचर से लेस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन आ जाएगा परचेस कितना हो जाएगा आठ लाख तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा दो लाख इधर में शर्मा में कोई चेंज नहीं आएगा वर्मा में कोई चेंज नहीं आएगा सेल्स अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा हम्म रेंट हो जाएगा थर्टी सिक्स और इधर में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा कितना है टोटल देखो मैच हो रहा है तो अभी सारे के सारे रिकॉर्डेड आइटम्स हैं सारे के सारे क्या हैं? रिकॉर्डेड आइटम्स ठीक है सिंपल अब एक सब जग सब आइटम एक एक जगह ही आएगा एसेट लाइबिलिटी डेप्रेशन लेस नियोग ऑलरेडी हो चुका है एक्सपेंस और ये मैचड एक्सपेंस है इसको क्या बोलेंगे अपन मैचड एक्सपेंस मैचिंग हो चुका है शर्मा लाइबिलिटी वर्मा एसेट हम्म हाँ। समझ गया yeah. इज दैट फाइन तो ये हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है एग्जाम में क्या होगा हमारे को ये ट्रायल बैलेंस दे देगा और एडजस्टमेंट्स दे देगा ट्रायल बैलेंस में चार आइटम और बढ़ा देगा दो एसेट बढ़ा देगा एक दो एक्सपेंस बढ़ा देगा सैलरी किसी में प्रीपेड दे देगा दे दे इस टाइप से दे देगा दे तो हम लोगों को आना चाहिए राइट पूरा फुल फ्रेजेट तो आएगा नहीं फुल फ्लजेड आपको रियल लाइफ में जब आप अपना बुक्स अकाउंट बनाएंगे तभी तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन जर्नल, अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है फिजिकल वाउचर को लेजर ट्रायल बैलेंस इसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज, उसके बाद फाइनल अकाउंट राइट तो डिपेंड करता है आप एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद फाइनल अकाउंट कर रहे हैं कि फाइनल अकाउंट करते वक्त एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्लियर अभी मेरे को थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जस्ट एक स्मॉल डिस्कशन होगा ट्रांजैक्शन इवेंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ट्रांजैक्शंस भी बता दिया है ट्रांजैक्शन में बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक होता है फिनेंशियल और एक होगा नॉन फाइनेंशियल तो नॉन फाइनेंशियल मिला जिसमें मॉनिटरी वाला चीज है ही नहीं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉट रिकॉर्डेड इवेंट्स रिकॉर्ड होता है बट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता फाइनेंशियल में भी दो होते हैं एक कैश ट्रांजैक्शन और एक होंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या क्या देखते हैं अपन मनी देखते हैं चेक प्रोमिसरी नोट जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं अपन बाटर स्कीम भी कैश ट्रांजैक्शन एग्जाम में पूछा था ये <coughs> राइट कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि कैश होना जरूरी है सेटलमेंट हुआ कि नहीं ये बताओ तुमसे कुछ लेके तुमको कुछ दे दिए हिसाब रफा दफा हुआ तो कैश में कभी भी अपन कैश नहीं खोजेंगे कैश में क्या खोजेंगे इमीडिएट सेटलमेंट कैश में हमेशा कैश नहीं खोजेंगे सेटलमेंट खोजेंगे पैसा दे दिया हिसाब रफा दफा हो गया चेक दे दिया हिसाब रफा दफा हो गया प्रोमिसरी नोट मतलब रिटर्न प्रॉमिस दे दिया इसका एक लीगल बैंक इसके अगेंस्ट में तुमको पैसा दे देता बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट जब कराते हैं तो ये भी एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है ऐसा बात नहीं है मजाक में मत लेना इसको प्रोमिसरी नोट सामने वाला लिखित दिया है बाटा सिस्टम में तो हिसाब हो ही गया है क्रेडिट मतलब ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर मतलब इसको अपने बोलते हैं मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट क्लियर ओरल प्रॉमिस जिसको अपन बोलते हैं तो इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं गुड्स उधार में खरीदा गुड्स उधार में बेचा बस बाकी सारे ट्रांजैक्शन कैश वाले हैं ठीक है तो ये थ्योरी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको पूछेगा इज कैश इज बाटर सिस्टम अ कैश ट्रांजेक्शन यस इमीडिएट सेटलमेंट इज इन्वॉल्व यस इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन में कभी भी कैश खोजने का दरकार नहीं होता है एंड ट्रांजेक्शन तुमको मालूम है ऐसा एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज रिसोर्सेज एंड मॉनिटरी वैल्यू में वो मेजरेबल होना चाहिए अगर मेजरेबल नहीं है तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला जाएगा एंड वो बुक्स में नहीं आता ठीक है तो इतना ही हम लोग फिर कल इ, इस टाइप का क्वेश्चन और करेंगे पूरा नहीं करेंगे मतलब ट्रायल बैलेंस दे दूंगा एडजस्टमेंट दे दूंगा उसको फिर हम लोग को आगे करना रहेगा